ये आ गई है कि दो नगर पाली। ये देखो इस तरफ मार्बल की दुकान है भैया, इस तरफ इसको मैंने दिया है, जमा कर दिया। 5 रुपए लग गया हेलमेट के, 30 रुपए लग गए ये। हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में दोस्तों। तो आप लोग जैसे देख सकते हो भैया, इस समय खड़ा हूँ रोड पे। फिलहाल अभी मैं आया हूँ ये भैया, ये देखो यहाँ से ज़्यादा सीधे रास्ता जाता है किदवई नगर के लिए, मतलब यहाँ से बर्रा बाईपास से आगे पड़ता है किदवई नगर चौराहा, ठीक है। फिलहाल अभी इधर से इस तरफ से आए थे, गोविंद नगर तरफ से, यानी कि घर से आ रहे यार, सीधे चले आ रहे घर से। अभी जा रहा है भाई मूवी देखने, एक मोजिया नाम की मूवी आई है ना, बहुत ही मतलब सुन रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे स्त्री मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो उसी का भैया, जैसे स्त्री मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, स्त्री 1 स्त्री 2, ठीक है, तो उसी का ये थर्ड पार्ट है जिसका भैया मोजिया नाम से नाम रखा गया है। तो फिलहाल अभी निकल रहा है, टिकट तो बुक कर ली थी मैंने आज सुबह ही, ठीक है। तो फिलहाल अपनी बाइक है, हमने कहा चलो बाइक से ही निकल लेते हैं, लगा ली चाबी अभी। और भाई फिलहाल मैंने कहा, मैं भूल गया था घर से स्टार्ट करना, तो मैंने कहा चलो यहीं पे स्टार्ट कर लेते, तो चलो फिलहाल निकलते और चलो भाई चलते क्योंकि टाइम भी हो गया काफ़ी, ठीक है। और भाई टाइम से पहुँचना भी है भैया, 3:15 पर। तो चलो भाई देखते भैया आज का पैसा, मूवी भी देख के बताएंगे भैया कैसी लग पड़ती है। अभी आ गई है किदवई नगर पाली। ये देखो इस तरफ मार्बल की दुकान है भैया, इस तरफ ये चारों तरफ पीछे तक देख सकते हो, सब जगह भैया मार्बल आर्बल की दुकान है। ये देखो ये मार्बल, तो भैया ये किदवई नगर पूरा मार्बल का मार्केट है, पड़ता है श्री राम मार्बल नाम से। तो फिलहाल आगे अपना आ गए ये बस किदवई नगर साउथ एक्स मॉल। भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा दूर नहीं था, यहाँ से पास ही में था, ज़्यादा दूर था नहीं। तो चलो फिलहाल मिलते हैं आगे साउथ एक्स मॉल, इधर लगा दी अपनी गाड़ी। तो चलो भैया फिलहाल अभी चल रहा है सीधे, चल के देखते हैं मूवी वूवी। ये भैया साउथ एक्स का बैक साइड है भैया इस तरफ के लिए। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, इसको भी भैया रखना है, ये अपना हेलमेट है, इसको भी जमा करना भैया, इसके भी लगेंगे 10-20 रुपये, 30 रुपये लग गए भाई बाइक को खड़ा करने के लिए। सुबह भैया अपना बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिलहाल ये मेरे को मिली गोटी गोटी गोटी, इसको मैंने दिया है जमा कर दिया, 5 रुपये लग गए हेलमेट के, 30 रुपये लग गए ये के। तो ये भैया बर्गर किंग है। चलो फिलहाल अभी मूवी ख़त्म होगी फिर खाएंगे भैया, सस्ता वस्ता भी है और टिकट विकट भी लेनी। और अभी बज रहे करीबन 3:15। तो चलो फिलहाल अंदर, कुछ इस प्रकार से दिखता अपने अंदर से भैया साउथ एक्स मॉल। देखो भैया बगल में यहाँ पर डोमिनोज वोमिनोज का पूरा लगा हुआ, बर्गर किंग का, जो कि मैंने बाहर दिखाया था। और घुसते ही बस इतने यहाँ तक सेवा समाप्त हो जाती है, ये स्मार्ट किंग भैया कह रहा है। तो भैया अभी जाना फिलहाल, अभी 3:40 का अपना सुबह है। तो सर तब तक क्या करें, ऊपर जाए, चलो ऊपर चलते हैं, फिलहाल ऊपर ही निकलते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे भैया बिग बाज़ार के अंदर, अगर कुछ मिल गया तो ले लेंगे और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो भाई देखो अभी अंदर आ गए, फिलहाल पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ। हम लोग, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, मतलब बहुत लेट आया हूँ इस मूवी को देखने, इसलिए इतने ज़्यादा सन्नाटा है। मूवी भी देख ली फिलहाल, अभी जा रहा है यहाँ से सीधे निकलना, इस तरफ भैया वो भरवाल वाला पड़ता है, इस तरफ वो पड़ता है। तो भाई मूवी हुई तो देख ली यार मुंजी, यार ज़्यादा तगड़ी नहीं लगी मुझे, ठीक ठाक थी यार, ज़्यादा मज़ा नहीं आया फिलहाल। तो फिलहाल अभी निकल रहा हो ये देखो बैक। तो भाई फिलहाल यहाँ से पड़ता सीधे, यहाँ से जाएंगे एकदम वो पड़ेगा किदवई नगर, ये किदवई नगर के लिए ये मार्बल आर्बल मिलता, तो सीधे एकदम सीधे सीधे निकलना फिलहाल, ठीक है। तो भाई अभी चलते चलते फिलहाल इधर आगे सीधे ये पेट्रोल पम्प, इंडियन पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है, ये किदवई नगर के आगे निकल गए, यहाँ से भर रहा हो, वहाँ से सीधे निकलेंगे गोविंद नगर के लिए। बगल में ये सी संतोषी माता मंदिर के बगल ही में खड़े हुए फिलहाल। तो भाई मूवी वूवी की बात करते हैं, मूवी ठीक ही थी, ज़्यादा तगड़ी उगड़ी वाली तो मेरे को नहीं लगी, जितनी तगड़ी भाई स्त्री वाली थी ना उसके मुकाबले मेरे को नहीं लगी ये वाली मूवी, ठीक है। तो फिलहाल अभी ले लिए बर्गर, देखो भैया अंदर दबाना पड़ रहा क्योंकि भाई ऊपर कैरी करने वाला कुछ नहीं था ना कागज में, तो हमने कहा चलो बर्गर ले लेते हैं भाई। अब वो 80 रुपये का 2 बर्गर पड़ रहा था, तो तुम्हारे भाई ने ले लिया फिलहाल, 2 बर्गर ले लिए भाई, लिखा हुआ 80 रुपये 79 और ले लिए 125 रुपये। और भाई GST पता नहीं क्या दुनिया भर का ठिकाना लगा देते, तो फिलहाल ले लिया। तो चलो फिलहाल निकलते हैं और मिलते हैं घर पे, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी यहाँ पे रास्ते में बने रहना भाई और निकलते हैं यहाँ से फटाक नहीं सर, क्योंकि भैया अपनी तो गाड़ी आगे लगी अपने एडवोकेट जी की गाड़ी, ठीक है, सीधे निकलने एकदम फटाक नहीं सर। तो भाई फिलहाल अभी सीधे निकल लिए यहाँ से भैया वापसी के लिए, अभी यहीं से निकले थे। अब देखो धूप भी यार, अभी धूप इतनी नहीं है लेकिन भाई लग पड़ी तगड़ी वाली रही। तो भाई फाइनली अभी आ गए घर और बज रहे करीबन शाम के 7। और भैया ये लाए थे अपने बर्गर की, हम निकल रहे थे, हमने कहा चलो इसी को खरीद लेते हैं और यही खाएंगे घर में जाके, हमने वहाँ पर नहीं खाया, हमने कहा
चलो वहाँ पर नहीं गए हमने, वहाँ कोल्ड ड्रिंक भी महंगी पड़ती है, हमने कहा चलो बाहर से खरीद लेंगे, बाहर सस्ती पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये बर्गर क्यों नहीं गए, मैंने बर्गर लिया है, अभी जा रहा है कोल्ड ड्रिंक लेने, फिर खाते हैं इसको। ठीक है भाई, फाइनली ये है वो बर्गर भैया, अंदर एक चीज़ लगा हुआ है अंदर से, और ये कुछ देखने में ऐसा लग रहा है ये बर्गर किंग का बर्गर है भैया, दिखा तो दिया ही है। चलो फिलहाल इसको खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई आज है फिलहाल दूसरा दिन, और इस ब्लॉग को मैं कल ख़त्म करना भूल गया था, तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो कितनी कड़ी धूप निकल रखी है, यानी सुबह का वक्त हो गया और करीबन बज रहे दोपहर के 12। तो चलिए इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, एंड बगल में दिया बेल आइकन उसको जरूर दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर रोज़ की रोज़ आती रहती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एक ट्रेन ब्लॉग के साथ, एक ज़बरदस्त ट्रेन ब्लॉग आने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।